क्लासेस में फिर स्वागत है। कक्षा 9 के लिए हम लोग पढ़ रहे थे द लास्ट चाइल्ड। चलिए देखते हैं इसके आगे। ही रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड एब्रिस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल। ही रैन वह भागा टुवर्ड तरफ हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के गेली माने प्रसन्नता पूर्वक। वह प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता की तरफ भागा एंड वॉक एब्रिस्ट ऑफ देम। एंड एब्रिस्ट माने सट कर चलने लगा, आप देम माने उनसे, फॉर अ व्हाइल माने थोड़ी देर तक, कुछ देर तक उनसे सट कर चलने लगा। बीइंग हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, बीइंग हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, जल्द ही चलते रहने पर जल्द ही उन्होंने छोड़ दिया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर्म्स अलॉन्ग द फुटपाथ दैट वेयर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, छोटे कीड़े मकोड़ों से आकर्षित होकर अलॉन्ग द फुटपाथ, जो सड़क के किनारे पगडंडी के किनारे, दैट वेयर टीमिंग आउट, जो बाहर आ गए थे, आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, अपने बिल से, अपने छिपे हुए स्थान से, टू एंजॉय द सनशाइन, और धूप का आनंद लेने के लिए। जल्द ही वे उन चीज़ों को पीछे छोड़ दिए और पगडंडी के किनारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से आकर्षित होकर, जो अपने छिपे हुए स्थान से बाहर निकल आए थे धूप का आनंद लेने के लिए। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द सेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स। हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम, उसके माता पिता उसे बुलाए, फ्रॉम द सेड माने छाया से, ऑफ अ ग्रोव माने एक पेड़ों की झुंड से, एक पेड़ों की झुरमुट होती है, पेड़ों की झुरमुट की छाया से उन्होंने बुलाया। वेयर, जहाँ पर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स, जहाँ पर वे स्वयं ही बैठ गए थे, ऑन द एज ऑफ ए वेल, एक कुएं के जगत के किनारे पर, एक कुएं के किनारे पर वो लोग बैठ कर उसे बुलाए। ही रैन टुवर्ड देम, वह उनकी तरफ भागा। ए सावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। ए सावर ऑफ यंग फ्लावर, छोटे छोटे फूलों की बौछार फेल अपॉन द चाइल्ड, उस बच्चे के ऊपर हुई, एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही वह एंटर्ड माने प्रवेश किया, ग्रोव माने उस झुरमुट में, जैसे ही वह झुरमुट में प्रवेश किया, छोटे छोटे फूलों की बारिश उसके ऊपर हुई। एंड फॉर गेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूल कर, ही बेगैन टू गेदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। ही बेगैन उसे शुरू कर दिया टू गेदर, इकट्ठा करना, रेनिंग पेटल्स माने गिरती हुई पंखुड़ियों को, इन हिज हैंड्स माने अपने हाथों में उसने गिरती हुई पंखुड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट लो लेकिन देखो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स। ही हर्ड, उसने सुना था कूइंग माने कूकने की आवाज, द डव्स, डव्स माने फाकता चिड़िया की, एंड रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की ओर भागा। साउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव, डव फाकता होती चिड़िया से पंडूक भी कहते हैं, पंडूक पंडूक करते हुए भागा। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, द रेनिंग पेटल्स माने गिरती हुई पंखुड़िया, ड्रॉप फ्रॉम हिज हैंड्स उसके हाथ से, फॉरगेटन हैंड्स उसके विस्मृत भूले हुए हाथों से गिर पड़ी। कम चाइल्ड कम, दे कॉल द चाइल्ड, आओ बच्चे आओ, दे कॉल द चाइल्ड, वे बच्चे को बुलाए। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स अराउंड द बनियान ट्री। हु हैड नाउ गॉन, जो अब चला गया था रनिंग इन वाइल्ड केपर्स, जंगली केपर्स राउंड द बनियान ट्री, एक घुमावदार बरगद के पेड़ के चारों ओर, जो एक घुमावदार बरगद के पेड़ के चारों ओर गोल गोल घूम रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो, एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड द फेयर थ्रो द मस्टर्ड फील्ड, जो उसको साथ लेकर उन्होंने तंग लहरदार पगडंडी को पकड़ा, जो कि सरसों के खेत से मेले की ओर जाती थी, और बच्चे को लेकर वो एक तंग, एक संकरी लहरदार सड़क को पकड़े, जो
सरसों के खेत से होकर मेले तक जाता था। As they near the village, the child could see many other footpaths. As they near, जब वे नजदीक पहुंचे the village गांव के, जब वे गांव के नजदीक पहुंचे the child could see many other footpaths. बच्चा देख सकता था many other footpaths, कई दूसरी पगडंडियों को, बच्चा कई दूसरी पगडंडियों को देख सकता था। Full of throngs conversing to the whirlpool of the fair. जो भीड़ से भरी हुई थी, जो भीड़ से भरी हुई थी और मेले के भंवर की ओर, वर्फूल माने भंवर, जो मेले की भंवर की ओर जा रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग। एंड फेल्ट एट वंस, और तुरंत ही महसूस किया, रिपल माने अस्त व्यस्तता में, एंड फैसिनेटेड आकर्षित हुआ, बाय द कंफ्यूजन, बाय द कंफ्यूजन माने कंफ्यूजन माने असमंजस की स्थिति को, ऑफ द वर्ल्ड संसार के ही वाज इंटरिंग, जिसमें वह प्रविष्ट हो रहा था, संसार की उस अस्त व्यस्तता को, उस असमंजस को उसने महसूस किया जिसमें वह प्रविष्ट हो रहा था, जिसमें वह प्रवेश कर रहा था। अगला, ए स्वीट मीट सेलर हॉक, ए स्वीट मीट, एक मिठाई वाला विक्रेता हॉक माने आवाज लगा रहा था, एक मिठाई वाला आवाज लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, मिठाई वाला अपनी दुकान पर बैठा था, बुला रहा था सबको, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस, एट द कॉर्नर माने कोने पर, ऑफ द एंट्रेंस माने प्रवेश द्वार के, मेले के प्रवेश द्वार पर ही एक मिठाई विक्रेता बैठा था जो आवाज लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एंड ए क्राउड प्रेस राउंड हिज काउंटर, एंड अ क्राउड, और एक भीड़ प्रेस इकट्ठा हुई थी राउंड हिज काउंटर, उसकी मेज के चारों ओर, और एक भीड़ उसके मेज के चारों ओर इकट्ठा हुई थी। एट द फूट ऑफ एंड आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, और उसके पास कई रंग की, रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनी हुई थी, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, डेकोरेटेड जो सजाई गई थी लीव्स माने पंखुड़ियों से, सिल्वर एंड गोल्ड चांदी और सोने की, जो चांदी और सोने की पंखुड़ियों से सजाई गई थी। द चाइल्ड स्टेयर ओपन एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, द चाइल्ड स्टेयर ओपन आइड, द चाइल्ड बच्चा स्टेयर माने घूरा, ओपन आइड माने खुली आँख से, बच्चा उसे खुली आँख से घूर रहा था। एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फी, एंड हिज माउथ, और उसका मुंह वाटर पानी से भर गया, फॉर बर्फी, बर्फी के लिए, और उसका मुंह बर्फी के लिए पानी से भर गया। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी प्रिय मिठाई थी, बच्चे की प्रिय मिठाई कौन थी, बर्फी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, वो कहता है मुझे वह बर्फी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, उसने धीरे से कहा, उसने धीरे से कहा, फुसफुसाया, मुझे वह बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वह आधे मन से जानता था, एज ही बेग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, कि उसकी यह विनती स्वीकार नहीं की जाएगी, उसकी यह विनती स्वीकार नहीं की जाएगी, बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रीडी, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वह बड़ा लालची है, कहेंगे तुम बड़े लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव ऑन, सो विदाउट वेटिंग, इसलिए विदाउट वेटिंग, बिना प्रतीक्षा किए, फॉर एन आंसर माने एक उत्तर की, ही मूव ऑन, वह आगे बढ़ चला, उसने अपने माता पिता के उत्तर की प्रतीक्षा ना करके आगे बढ़ चला। तो प्यारे बच्चों, आज तक, आज बस यहीं तक। आप लोगों को जो कोई समस्या हो, हमारा नंबर 8808-3848-01 पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।